चलो डस्टर का है। अच्छा सॉरी वेव रेक्टिफायर क्या करवाया था लास्ट? थ्योरी लिखवाई है। लिखवाई लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2, द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। आओ जरा पहले I1 निकाल रही हूँ। फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी? यहां से तो I1 थी और यहां से I2 थी। फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। जब फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे तो मतलब कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव वाली के लिए। पॉजिटिव वाले में ये डायोड तो होगा आपका फॉरवर्ड वाइज और ये डायोड होगा रिवर्स वाइज, तो इसमें से करंट तो नहीं जाएगी, रिवर्स वाइज हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला फॉरवर्ड वाइज होगा तो इसमें से करंट निकलेगी। I1 की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। I1 मिलेगी 0 से टी की वैल्यू जब लाई करेगी टी बाई टू के लिए। आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन आर। वी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में है तो वोल्टेज किसका लगेगा? सेकेंडरी कॉइल का। अपॉन आर, आर चलो इसका इसका और आर एस का सबका लगेगा, मतलब आर प्लस आर एस प्लस आर एफ। मैं डायरेक्ट उन दोनों को तो आर लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? आर एल। तो ये लिख दू आई बराबर वी एस अपॉन आर प्लस आर एल। ये तो होगी हमारी I1। उस कंडीशन में I2 से कितनी करंट निकलेगी? 0। VS की वैल्यू होती है कुछ सेकेंडरी कॉइल से जाने वाले वोल्टेज की वैल्यू, EM साइन ओमेगा टी। VS बराबर EM साइन ओमेगा टी, याद है? उसमें जो वो होता है इनपुट की इनपुट वोल्टेज होता है वो होता है EP साइन ओमेगा टी। जब हम सेकेंडरी का निकालते हैं इनका इनटू कर देते हैं साइन ओमेगा टी, और एनईपी को क्या लिख देते हैं हम? ईएम साइन ओमेगा टी। यही करते हैं तो वीएस की वैल्यू कितनी है? ईएम साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आरएल। और ईएम अपॉन आर प्लस आरएल क्या माना था इसको? आईएम साइन ओमेगा टी। ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है आपका? जीरो से टी बाई टू की टू। आई टू पे तो कोई वैल्यू नहीं जा रही, तो वो रिवर्स साइज है, तो आई टू करंट क्या होगा इस कंडीशन में? जीरो। अब करना है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ में डायोड डी वन तो हो जाएगा रिवर्स वाइज और डायोड डी टू हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। नेगेटिव हाफ साइकिल नेक्स्ट जो हाफ साइकिल आएगी, ये तो अभी इसके लिए बात करिए, अगली वाली बात करेंगे हम टी बाई टू से लेकर टी के लिए। तो डायोड डी टू फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए I1 और I2 निकालते हैं। अब मुझे बताओ डायोड डी टू क्या होगा? D1 रिवर्स बायस, रिवर्स बायस है तो करंट नहीं जाएगी, तो इस कंडीशन में I1 जीरो। अब I2 में से करंट जाएगी, I2 में से करंट कितनी जाएगी? जितनी I1 में से गई थी जब वो फॉरवर्ड वाइज, सेम ये जाएगी IM साइन ओमेगा टी। लेकिन ये पॉजिटिव में गई थी क्योंकि ये प्लस के लिए चल रहा था, ये नेगेटिव में जाएगी क्योंकि आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करी जा रही है। इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये किस कब कहां से कहां तक लाया करेगा? टी बाई टू से लेकर टी के लिए। ये हो गई नेक्स्ट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल लिख लो आप।
यहाँ दोनों लिखने के बाद लिख देना वेयर आई एम जो है वो किसके बराबर है, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। आर की वैल्यू पता है ना, आर एस प्लस आर एफ, भूलना मत, पढ़ लेना ये सब याद रखना, एक हाफ वेव का ही सब में यूज होगा। थोड़ा जल्दी करना, आज मैं फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट करवाने की सोच रही हूँ, सोच के तो घर से यही आई थी, रास्ते में मैं लेट हो गई, मैं फुल वेव पूरा करवाने की सोच रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी नोट करना। नेक्स्ट डालिए फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें जैसे उसमें निकाले थे हमने आठ, वैसे ही इसमें निकालने अलग अलग। पहला क्या निकाला था उसमें, हाफ वेव में देखते जाओ, फुल वेव का करते जाएंगे। उसमें देखिए पहले क्या निकाला था, हाँ एवरेज करंट एंड और वोल्टेज ऑफ पल्स, लिखिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इसे रफ कर दूं, अब फॉर्मूला तो पता होगा, ढूंढ खोल लो जरा अपना वो हाफ वेव का आईडीसी क्या था मामला, वन अपॉन टी जीरो से टी आई डी टी, यही था। अब देख पहले देख लो, बाद में नोट करना, वन अपॉन टी, अब वही जीरो से टी को ब्रेक करेंगे लिमिट, जीरो से टी बाई टू, टी बाई टू से टी, लिमिट ब्रेक करती हूँ, जीरो से टी बाई टू आई डी टी प्लस टी बाई टू से टी आई डी टी आई डी सी इक्वल्स टू वन अपॉन टी। जीरो से टी बाई टू पर कौन सी करंट मिल रही है, आई वन मिल रही है या आई टू मिल रही है, आई वन मिल रही है, आई टू तो जीरो है, तो हम यहाँ पर लेके क्या चलेंगे, केवल आई वन। अब इधर आ जाओ t by 2 से t पर i2, तो यहाँ क्या लेके चलोगे, ये समझ में आया, IDC वैल्यू रखिए इनकी, इसकी वैल्यू प्लस का आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम में भाल ले रही हूँ क्योंकि आई एम साइन ओमेगा टी इसमें भी आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी इसमें भी आएगा, तो इसका तो दोनों का भाल ले लिया, ये जीरो से t by 2, यहाँ बचा साइन ओमेगा टी डी टी, या माइनस साइन है ओमेगा टी है तो माइनस लगा देती हूँ, टी बाई टू से टी साइन ओमेगा टी डी टी। ये चीज समझ में आई नहीं आई, अब आई डी सी निकालो जरा, आई एम अपॉन टी साइन ओमेगा टी का कॉस माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन लिमिट जीरो से माइनस साइन ओमेगा टी का माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन लिमिट टी बाई टू से टी आई डी सी आई एम अपॉन टी, यहाँ ओमेगा है अभी ओमेगा है बाहर ले लू, वन अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट रख देती हूँ अपर लिमिट माइनस t by 2 माइनस बीच में माइनस आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझ में आया नहीं है, ये माइनस का है, माइनस का है, ऐसा करते हैं माइनस इसका बाहर ले लेती हूँ और ओमेगा भी मैं यही चले रहने देती हूँ इसके साथ, ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया तो ये तो माइनस, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, नहीं आया समझ में, ये माइनस तो बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये हो गया कॉस जीरो, ये बात हुई किसकी, इसकी। अब किसकी करनी है, ये माइनस बाहर ले लेती हूँ प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और नीचे इसमें भी क्या है ओमेगा, हाँ ओमेगा कॉमन ले लेती हूँ, आई एम अपॉन
दोनों में से ओमेगा कॉमन आ गया, ओमेगा टी बाहर आ गया। अब इधर आ जाओ, कॉस जीरो वन, यहाँ पर ओमेगा को बोल रही हूँ, टू पाई बाय टी, टी से टी गया, टू से टू गया, कॉस पाई माइनस वन, और माइनस वन माइनस टू प्लस टू, इधर आ जाओ, टू पाई बाय टी माइनस टू पाई बाय टी कॉस टू पाई कॉस पाई कॉस पाई भी माइनस वन और कॉस टू पाई वन। अब ये कितना हो जाएगा, टू टू हो जाएगा। आईडीसी सही है गलत है, फोर आई एम अपॉन ओमेगा टी, ओमेगा का खोल रही हूँ, टू पाई बाय टी, और यहाँ टी आई है। आईडीसी क्या निकलाया, ये कॉस टू पाई वन और कॉस पाई माइनस वन, माइनस वन प्लस टू। आगे समझ में नहीं आया, अभी कर लो नोट आईडीसी पूरा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, आईडीसी बराबर टू आई एम अपॉन पाई को। हो गया, ये तो करंट निकल गई, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना इस वाले चीज को, जब मैं फॉर्मूले पूछूंगी तब मुझे बताना ये फॉर्मूले, इसलिए बंद करवा रही हूँ। देखो हाफ वेव में तो ये आया होगा आई एम अपॉन पाई, और यहाँ पर आया है टू आई एम अपॉन पाई, क्योंकि ये फुल वेव है, जस्ट डबल हो गया। आ गई समझ में, अब निकालना है वोल्टेज पी इक्वल्स टू आई आर, आई डी सी और डी सी आर एल पे मिलती है इसलिए इंटू आर एल, आई डी सी की वैल्यू टू आई एम अपॉन पाई आर एल, आई एम की वैल्यू Em upon R plus RL into ये निकल गई हमारी।
चलो अब हाफ वे में नेक्स्ट टॉपिक देखो कौन सा था, आरएमएस डालिए रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर जो उसमें टॉपिक है सेम टॉपिक करने सारे, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बाकी वही है। चलो आई आर एम एस का फॉर्मूला, अंडर रूट आई स्क्वायर आर एम एस वन अपॉन टी जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी, इसकी भी लिमिट तोड़ेंगे फिर, जीरो से टी बाई टू, टी बाई टू से टी। मैं क्या कर रही हूँ इसकी लिमिट तोड़ी हूँ जीरो से टी बाई टू और इधर आगे टू लगा रही हूँ, सही है? ऐसे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, जीरो से ए होता है, अगर ए बाई टू करते हो तो आगे टू लगा देते हैं, मैं टू लगा रही हूँ इसमें क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, टू देखो ऐसे क्यों लगा रही हूँ, इसमें स्क्वायर है, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, दोनों का स्क्वायर करूंगी दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की बजाय मैं आगे ट्वाइस लगा देती हूँ और दोनों को एक साथ सॉल्व कर देती हूँ, बात एक ही है। ये होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये 2 बाहर ले रही हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन टी, इंटीग्रेशन करिए 1 का, कॉस 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा टी अपॉन और लिमिट 0 से टी बाई 2, अरे बात क्यों हो रही है, रखिए लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो तो जीरो है, माइनस वन अपॉन टू ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगी, साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो नहीं रख रही वाली लिमिट, आई स्क्वायर आर एम एस आई एम स्क्वायर अपॉन टू टी बाई टू, ये भी जीरो हो जाएगा, देखो साइन टू ओमेगा ओमेगा को तोड़ोगे 2 पाई बाय टी से टी गया 2 से 2 गया 2 पाई साइन 2 पाई 0, तो ये भी 0, क्या बचेगा केवल टी बाय 2, आई स्क्वायर आर एम एस टी से टी गया आई एम स्क्वायर अपॉन 2 आई आर एम एस आई एम अपॉन रूट 2, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई नॉट अपॉन रूट टू आर एम एस का वैल्यू होती है वाली, लिख लीजिए। वहां पर आई नॉट अपॉन रूट टू पढ़ते थे क्योंकि वहां पीक वैल्यू नॉट होती थी, यहाँ पीक वैल्यू आई एम है, तो यहाँ पर आई एम अपॉन रूट टू आया है। हो गया अभी आरएमएस निकालना है, ये
पहली बार आए हो क्लास में? हो गया? हम निकाल ली हुई आर एम एस क्या होगा, आई इंटू आर, आई आर एम एस इंटू आर एल। आई आर एम एस की वैल्यू आई एम अपॉन रूट टू इंटू आर एल, आई एम की वैल्यू Em upon root 2, पाई थोड़ी ना होता है, होता है पाई उसमें, पाई थोड़ी ना होता है आई एम की वैल्यू में, लिख दो। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब कौन सा आएगा देखो। हाँ, ई आर एम एस, ई एम अपॉन रूट टू आर प्लस आर एल इंटू आर एल, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर डालिए। क्या फॉर्मूला होता है? पीडी की पीएच परसेंटेज में निकालना है। ये तो परसेंटेज के लिए है, एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है कि परसेंटेज के लिए इनटू 100 करना। चलो अब फुल वेव में पीडीसी और पीएसी निकालते हैं। आ जाओ, पहले पीडीसी निकालते हैं। इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, डीसी कहाँ निकलता है, लोड पर। ये भी कौन सा चलेगा फिर, आई स्क्वायर डीसी की वैल्यू निकाली थी अभी, देखो आई अच्छा तुमने स्क्वायर करके आंसर बता रहे हो मुझे, मुझे आई डीसी की बता रहे हो कि आई स्क्वायर डीसी की बता रहे हो? अब स्क्वायर हो गया इसका, आई एम की वैल्यू ये क्या निकल गया, पीडीसी। अब क्या निकालना है, पीएसी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, लेकिन आई में कौन सा लेते हैं, आर एम एस, आर पी एस सी, आई आर एम एस। आर प्लस पी एस सी, आई एम की वैल्यू कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। दोनों निकला ही? अब किस में रखना है, पहले क्या है, पीडीसी 4 अपॉन पाई स्क्वायर ईएम स्क्वायर आर प्लस आरएल का होल स्क्वायर इनटू आरएल, एसी em square 2 r plus
इनटू 100 हो चल रहा है साइड में थीटा इक्वल्स कैंसिल हो रहा है कुछ em स्क्वायर 4/5 स्क्वायर rl r प्लस rl इनटू 100 8/5 स्क्वायर आर एल नीचे से आर एल कॉमन लेती हूँ 1 + आर ओवर आर एल इंटू 100 ये कैंसिल उसके अंदर देखो कितना निकला था शायद 40.2 निकला था देखना जरा उसमें 40.2 था मेरे अकॉर्डिंग उसका देख लो जरा सिक्स था इसका निकलेगा 80.2% अपॉन 1 + आर ओवर हाँ 81.2 उसका डबल करना इनटू करो जरा उसमें 81 है देख लो उसका डबल कर लो वही निकलेगा इसका ये एफिशिएंसी निकलाई हो गया अब कौन सा है रिपल फैक्टर आर क्या फॉर्मूला था आईएसी अपॉन वही था पहले जैसे उसमें आईएसी की वैल्यू निकाली थी ना वैसे इसमें करना है डिट्टो टोटल पावर इन लॉर्ड नोट निकाली थी फिर आपने आई स्क्वायर वहां तक आ जाओ तुम उसमें से नोट करके अंडर रूट आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर अपॉन नहीं था कुछ भी ये था आई एसी की वैल्यू निकली थी यहाँ तक निकाली थी वहां से पूरा नोट करके यहाँ तक आ जाओ पीछे से पूरा नोट करो और यहाँ तक आ जाओ यहां तक निकाल लो पहले हाँ हाँ क्या पीएसी का लोड पर लेंगे क्या रेजिस्टेंस हाँ लोड पे ही लेंगे प्लस अरे ये जो आई स्क्वायर आर एम एस
जिसको हमने तोड़ा है ना पी स्क्वायर आरएमएस, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो केवल लोड पे निकलती है, तो आरएमएस का टूटा हुआ वैल्यू है जो एसी और डीसी में तोड़ा है, तो मतलब जो आरएमएस में से तोड़ा है तो एसी आपकी लोड वाली देख रहे हैं केवल, क्योंकि आरएमएस में से निकाली हुई चीज है। अगर ये आरएमएस नहीं होती, लोड के बाद आरएमएस बन जाती है वो डायोड के बाद, डायोड से पहले आरएमएस नहीं। अगर मैं सिंपल आई बोलती आईएसी तो आप आरएस आरएफ आरएल तीनों लेते, मैंने बोला आई स्क्वायर आरएमएस में से निकाली है एसी और डीसी, तो इसका मतलब जो स्क्वायर में से तोड़ी गई है तो वो डायोड के बाद तोड़ी गई है, तो वो केवल लोड पर निकलेगी वो वाली चीज। आगे से निकल गई, चलो रख दीजिए वैल्यू, आईएसी की वैल्यू यही है। डीसी कॉमन ले लो, आई स्क्वायर आर एम एस आई स्क्वायर डी सी माइनस कट गया। चलो अब वैल्यू बता दो मुझे जरा फटाफट, आई आर एम एस की वैल्यू आई एम अपॉन रूट टू था शायद, आई स्क्वायर डी सी की टू आई एम अपॉन पाई, देख लो यही है। चलो कल कितनी निकली थी आर, उसको डबल कर दो ये हो जाएगी रिपल फैक्टर, आज निकलेगी शायद ही आपकी 48.2%। कितनी निकली थी आर, वो ना हो रही है सही है ये वाली, सॉल्व कर लेना इसे, ये मैच नहीं कर रही उसके डबल से, पाई स्क्वायर की वैल्यू रखना, 8 की डिवाइड करना, माइनस 1 करना, यही आंसर है। क्या हुआ सही है वैल्यू, यही लिखनी है, हाँ वैल्यू सही है। ये कहाँ गया, अब आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, वहां 1.21% आई थी शायद, ऐसा कुछ, या 48.2% है, सही है। नेक्स्ट ये परसेंटेज में निकाला है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन, सही है। चलो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, नो लोड फुल लोड फुल लोड सब कुछ पता है इसमें, बस हमने तो वैल्यू रख रख के चेक करनी है। लोड पर निकालना है तो मतलब आपको डीसी की वैल्यू चाहिए, वोल्टेज डीसी कितना ली थी, या था ईडीसी कितना निकला था बताओ, ईडीसी क्या निकला था शायद, चेक कर लो, मैंने लिख तो दिया है शायद यही है कि और कुछ है ऊपर भी आ रहा है, यही है ना, ये डीसी इसलिए लिया है क्योंकि लोड पर बात कर रहे हैं, लोड पर तो डीसी मिलती है तो इसलिए डीसी की बात कर रहे हैं, ईडीसी जैसे वो किया था डिट्टो ऐसे ही करना है। कैसे लिख सकते हैं देख लो, पहले क्या हुआ, क्या 4.8
हाँ 48.2 आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है मैंने, तुमने 22/7 से निकाला होगा, नहीं तो 3.14 रख के देखो, 4 के बाद पॉइंट आ रहा है, कैलकुलेशन गलत है, 4 के बाद आई नहीं सकती। हाँ सही है, उतना ही है लगभग आएगा, तो नहीं 48.2। मैं सॉल्व करूं, ये पूछ रही हूँ मैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देख लो जरा ऐसे एलसीएम लो, कट जाएगा यही आ जाएगा, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, घर पे कर लेना आराम से, इधर देख लो जो मैं करवा रही हूँ। इधर आ जाओ आप, 2m/πr+rl IDC की वैल्यू है, चेक करो जरा, ये IDC की वैल्यू है, चेक कर लेना अपने आप, आ जाओ। अब ग्राफ y=mx+c जैसे उसमें बनाया था, नेगेटिव स्लोप है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब कितनी होगी, 3m/π थी या 2m/π होगी, EDC, IDC, चेक कर लो भैया, देखते जाओ तुम लोग, आगे समझ में, समझ लो, बाद में नोट करना, इधर आ जाओ। अब ये नो लोड और फुल लोड की बात करते हैं, पहले नो लोड के लिए निकालते हैं VNL, अगर नो लोड होता है तो RL की वैल्यू इनफाइनाइट, नो लोड के लिए इनफाइनाइट रखिए RL, तो ये पूरा जीरो, क्या बचेगा, क्या बचेगा, समझ में आ गया। फुल लोड की बात करते हैं, फुल लोड में तो कोई जीरो नहीं होगा, पूरा यही लिख लेती हूँ, सही है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी भी, ना नोट कर लो यहाँ तक। नोट कर लो, हो गया, चलो वैल्यू रख दो, नो लोड की वैल्यू, फुल लोड की, ऑन फुल लोड की, ये कैंसिल,
आईडीसी की वैल्यू क्या होती है? टू आई एम अपॉन पाई। ये बचेगा आई एम की वैल्यू पी एम अपॉन आई डी सी आर प्लस आर एल इधर ले गई टू ई एम अपॉन पाई। देख लो फिर नोट कर लेना आराम से, ब्लैकबोर्ड यही रहेगा। ये चुप गया तो फिर नहीं आएगा। 2em upon pi की वैल्यू r plus rl minus idcr into 100 idcr idcr cancel idcr idcrl वोल्टेज रेगुलेशन r ओवर यही कल निकला था, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 और लगा दो इसमें आगे। ठीक कल निकला ना, लिख दो खत्म। अभी कहाँ खत्म हुआ, दो टॉपिक और हैं अभी, कल करवाऊंगी, अब टाइम नहीं बचा। बहुत जल्दी जल्दी करवाया पर फिर भी जाएगा। समझ में आना चाहिए फास्ट और स्लो से क्या होता है।